देखिए, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आज अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संयुक्त संघर्ष समिति विशाल धरना प्रदर्शन कर रही है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। आइए इनसे इनकी डिमांड्स जान लेते हैं। पहले तो सर का हम नाम जान लेते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। गोवर्धन प्रसाद अटल। सर, आज अध्यक्ष हैं आप अखिल भारतीय। सर, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या डिमांड्स आप लोग मांग रहे हैं? हम आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आके सांकेतिक हमने अनशन किया और कल हम लोग राजघाट के सामने मौन धरना दिया था। देश भर से 1200 लोग आए हैं, सभी राज्यों के, और हमारी डिमांड ये है कि भाई जो लोग इमरजेंसी में 1975-77 में जेल में गए थे उनको सम्मान दिया जाए, आन बान शान दी जाए, उनको स्वतंत्रता सैनिक का दर्जा दिया जाए। कहीं कहीं राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कई राज्यों में कुछ लोगों को जो मिल रही थी उसमें अड़चने आई है, उनको दूर किया जाए। उस समय जो दमन हुआ, जिन लोगों ने दमन किया उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। और दूसरी बात है कि जो पेंशन के नाम पे 1947 से अब तक तथाकथित और कथित स्वाधीनता संग्राम के नाम पर जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दिए गए, उस पर सरकार एक वाइट पेपर, श्वेत पत्र पब्लिश करे। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स वगैरह भत्ते लेते हैं, पेंशन लेते हैं, अपने आप अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, उस पर एक करोड़ों अरबों रुपए हो रहे हैं खर्च, उस पर एक वाइट पेपर पब्लिश करे। स्वयं अपनी सैलरी खुद बढ़ाते हैं, सभी लोग अपने भत्ते खुद बढ़ाते हैं, वो भत्ते बढ़ाना बंद करो और जिनका ड्यू वास्तव में जैसा है वो करो। ये प्रमुख बातें हैं। अगर इसमें भी आपकी बात जो है सरकार नहीं संज्ञान लेती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी तक हम लोग विभिन्न प्रकार से मेल, मीटिंग, सभा समितियां करते रहे थे। ये 4-6 सालों से कार्यक्रम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। केंद्रीय सरकार के मंत्री, MP वगैरह हमारे कार्यक्रम में आते थे, हमको आश्वासन देते थे, लेकिन कुछ किया नहीं। हमने पहला ये तय किया है कि अब इस बार हम लोग उन लोगों को जो पहले आए आश्वासन देकर गए उनसे जाके नहीं मिलेंगे, उनको कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरा ये, अभी कल राजघाट में मौन धरना और आज अनशन, ये उसकी शुरुआत है। हम 2-3 महीना वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, उसके पश्चात और कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समिति बुलाकर बैठक करके निर्णय लेंगे। मेन आपकी डिमांड ये है कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान, सम्मान और हमारे स्वतंत्रता सेनानी घोषित होना चाहिए। जो लोग उस समय जेल में गए उनको एक नेशनल पेंशन, एक राष्ट्र, एक देश, एक पेंशन, सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इस झूठे मोटे नामों पे जो करोड़ों अरबों देश के खर्च हो गए उस पे सरकार संज्ञान ले और खोज खबर करे किसको दे दिया, क्या किया। उन्होंने यही बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये लगातार डिमांड्स रख रहे हैं, और अगर इनकी डिमांड्स, ये 2 महीने का समय दे रहे हैं, अगर इनकी डिमांड 2 महीने में पूरी नहीं हुई तो, अगर आपकी डिमांड्स 2 महीने के अंदर आप बोल रहे हैं कि पूरी नहीं होगी तो क्या विशाल और धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ, धरना प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हम योजना बनाएंगे, समिति की मीटिंग होगी, कुछ लोग कह रहे हैं हम आमरण अनशन करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसे ही विभिन्न प्रकार की और कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में आवश्यकता हुई तो हम अगले वर्ष जगह जगह पर अपने प्रतिनिधि, उम्मीदवार खड़े करेंगे इनके विरोध में और उनको हराने की चेष्टा करेंगे। तो इन्होंने इतनी बड़ी चेतावनी दी है कि ये अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, प्रतिनिधि खड़े करेंगे सरकार के खिलाफ, जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।